चुनाव नजदीक आते ही जहां सभी पार्टियां अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर वोट बैंक को साधने में लगी हैं, वहीं कांग्रेस ही चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर संगठन में परिवर्तन कर विरोध की चिंगारी सुलगा दी है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस रीवा विधानसभा सीट को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है और यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर रीवा से महापौर अजय मिश्रा बाबा को प्रत्याशी बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं राजेंद्र शर्मा को ग्रामीण अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ग्रामीण से जुड़े हुए लोगों को पद न मिलने के चलते भी विरोध की चिंगारी सुलग रही है। हालांकि सामने आकर विरोध प्रदर्शित करने की हिम्मत कोई नहीं उठा पा रहा। इसकी वजह यह है कि विगत 20 वर्षों से वनवास झेल रही कांग्रेस अब किसी भी हालत में गुटबाजी प्रदर्शित नहीं करना चाहती। वहीं एक खेमा यह कहते हुए भी अंदर से नाराज है कि विशेष वर्ग को तवज्जो देते हुए कई वर्गों की अनदेखी की गई है। तो वहीं कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि रीवा नगर निगम में महापौर की जीत से उत्साहित कांग्रेस रीवा सीट को जीतना पहली प्राथमिकता और लगभग जीता हुआ मान रही है, जिसके चलते पूर्व पार्षद लखनलाल खंडेलवाल और महापौर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके राजेंद्र शर्मा को तवज्जो दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण पदाधिकारियों का इस बदलाव को लेकर क्या कहना है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शहर और ग्रामीण अध्यक्षों का परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, नई नीतियाँ हुई, क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा, कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या फायदा मिलने वाला है इसका? आने वाले चुनाव में उसका असर दिखेगा और हम लोग कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के आएगी। और आदरणीय कमलनाथ जी ने अगर निर्णय लिया है, संगठन में परिवर्तन किया है, तो उसका निर्णय वास्तव में बहुत अच्छा है और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। चुनाव के समय परिवर्तन, 7-8 महीने बाद चुनाव है, निश्चित है कि 4 साल से कार्यकाल चल रहा था, ऐसे क्या लगता है कि इस समय और उसी संगठन को मजबूत करना चाहिए था या कि परिवर्तन की जरूरत थी? देखिए, जैसा आपको पता है कि पिछले कई सालों से और जो संगठन हमारा स्थापित था और उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था और उस दिशा में आदरणीय कमलनाथ जी ने की जो सोच है वो नए लोगों को आगे लाने की है, नए व्यक्ति को संगठन में बैठाने की है जो लंबे समय से चल रहे हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो आप देखिए, प्रदेश स्तर से लेकर पूरे जिले स्तर तक और पोलिंग बूथ स्तर तक नए लोगों का वहाँ पर गठन हो रहा है, नए लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए और जब नए लोग आते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। शहर के ही लोगों को शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया, कितना सहमत? ये देखिए, कमलनाथ जी ने अगर बनाया होगा तो उनकी कार्यशैली को देख के बनाया होगा और उनको पूरा यकीन है, हम सबको भी यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के जो शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष बने हैं वो पार्टी के लिए अच्छा काम करके देंगे। और क्या लगता है, परिवर्तन हुआ है शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष का, कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, किस तरह से आगे कार्य करेंगे, चूँकि नए हैं, अचानक अभी 7 महीने 8 महीने बाद चुनाव है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी छात्र जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो अगर वो फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको प्रमोशन करके सेकंड ईयर में भेजा जाता है, और अगर वो 11th क्लास में पढ़ रहा है, उसने अच्छा रिजल्ट आया तो उसको 12th क्लास में प्रमोशन करके भेजा जाता है और उसको प्राइज़ भी दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से 4 साल से आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू भैया जिस तरह से शहर में नए युवाओं को जोड़ रहे थे और पूरी कांग्रेस को एकजुट करके ले करके उसका रिजल्ट अभी जैसा कि आपने देखा, महापौरी का चुनाव हम लोगों ने 20 से 25 साल बाद जीता, तो ये अच्छा निर्णय है। उनको एक प्रमोशन करके महासचिव बनाया गया और प्रदेश का और सिंगरौली का प्रभारी भी बनाया गया, तो मेरे उसमें तो ये सही डिसीजन था। शहर के लोगों को ही राजेंद्र शर्मा जी को शहर ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया, लखनलाल जी को शहर अध्यक्ष बनाया गया, इनके नेतृत्व तो इतना मजबूत होगा युवा और टीम आपकी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी भी कई वर्षों से पार्षद हैं और 2-3 वार्डो से पार्षद रहे हैं, तो और एक व्यापारी समाज से भी हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज व्यापारियों के बीच में भी जाएगा। और राजेंद्र शर्मा जी जो कि काफ़ी दिनों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और काफ़ी चुनाव भी लड़े हैं, तो उसमें भी सही पार्टी का शहर के साथ साथ ग्रामीण मजबूत होगा। जी बिल्कुल मजबूत होगा। क्या लगता है अभी परिवर्तन हुआ, आप लोग कार्यकर्ता शुरू से जुड़े रहे हैं? अभी हम लोग अपडेट हुए हैं, परिवर्तन जो हुआ, सबको पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ भैया जी को, जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग जिस तरह भैया ने पहले काम किया, मजबूत किया, उस तरह हम लोग मजबूती के साथ सबके साथ खड़े रहेंगे। शहर अध्यक्ष बदले गए, ग्रामीण अध्यक्ष बदले गए, जो बनाए गए राजेंद्र शर्मा जी, जी तो ग्रामीण भेजा गया जी। लगता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही ग्रामीण अध्यक्ष बनाया जाता तो और बेहतर मजबूत हो सकता? सर, ऐसा है कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी हो, शहर में जरूर रहते हैं ना, पर हम लोग कहीं ना कहीं सब कोई गाँव ही से जुड़े होते हैं। सर, हम लोग गाँव से आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा काम करके देंगे। धन्यवाद।
क्या लगता है कितना कार्यकर्ता जो जमीनी है कितना मजबूत हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है, और शहर अध्यक्ष जो बने हैं हमारे लखनलाल जी और ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र शर्मा जी, निश्चित रूप से भले चुनाव नज़दीक है, हम लोगों ने उन्हें बहुत पहले से जाना है और उनकी कार्यशैली को भी जानते हैं, और जहाँ तक अंदाज़ा है कि इस बार सरकार हमारी बनने वाली है, इसलिए इस समय जो बदलाव किया गया है बहुत सही किया गया है। क्या लगता है, शहर जो अध्यक्ष बनाए, शहर अध्यक्ष बने और ग्रामीण अध्यक्ष बन गए, बनाए गए, तो ग्रामीणों में कुछ असंतुष्टि या ग्रामीण के होते तो और अच्छा हो सकता है, जो ग्रामीण के परिवेश को समझता, ऐसा कुछ लगता है? निश्चित तौर पे ऐसा होता तो भी और फायदा होता, लेकिन राजेंद्र शर्मा जी जो बने हुए हैं और कमल जी के आदेशानुसार, और कमेटी उसको स्वीकार भी करती है, हमारे किसी भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पे कोई शक नहीं है कि वो मेहनती नहीं है कि काम करते नहीं है। हम लोग को आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू जी ने यह मार्गदर्शन दिखाया शुरू से कि जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के लिए कार्य करना है। मंगू सरदार ने शुरू से उस समय बागडोर संभाला था जब कांग्रेस में डामाडोल चल रहा था। मंगू सरदार ने घर घर जाके अभियान चला के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक घर से कार्यकर्ता को जोड़ के ऐसे अभियान तैयार किया है कि हम लोग के अंदर इतना फौलाद जुड़ चुका है, इतना ताकत बन चुकी है कि कोई भी चुनाव आगे आएगी भाजपा को मुंह के बल गिरना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे हम लोग जीत के आएंगे, चाहे अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। आगे जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी उस हिसाब से पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करेंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस संगठन फिर बदल हुई और ग्रामीण और शहर दोनों के अध्यक्ष बदले गए, तो उसकी वजह क्या थी कि मतलब भगत और ये गुरमीत सिंह मंगू पार्टी को उसमें खड़े नहीं उतरे, क्या ये कदम किस ढंग से आप देखते हैं पार्टी का? ऐसा कुछ नहीं है जी, पार्टी का एक काम करने की गतिविधि बदलती रहती है जी जी, और हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में समय समय पर बदलाव होता है जी। तो हमारे पूर्व के अध्यक्ष त्रिवेणी नारायण शुक्ल जी भगत जी जो है जी, वो काफ़ी ईमानदार, कर्मठ और जिम्मेदार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में साबित हुए हैं जी। हमारे शहर अध्यक्ष जो मंगू भाई जी भाई हैं वो भी बहुत ओजस्वी और कर्मठ नेता के रूप में सामने आए हैं जी। शहर कांग्रेस के अंतर्गत पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निर्वहन किया है, उसमें भी वो खड़े उतरे, कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी के अंदर की कोई कमी थी संगठन में, बदलाव किया गया। तो फिर बदल की वजह क्या? बदलाव की एक प्रक्रिया है, बताया आपसे कि संगठन में बदलाव की हर पार्टियों में प्रक्रिया होती है। ये मतलब एक चुनावी तैयारी के हिसाब से तो नहीं है ये जो होना है? ये भी मान लीजिए 2023 की तैयारी, ये भी मान लीजिए हर पार्टियाँ अपना तैयारी कर रही हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी नए नए चेहरों को मौका देने के लिए। पर एक बात ये है कि जैसे भगत जी एक ग्रामीण और जमीनी नेता थे, ग्रामीण राजनीति से निकल के आए, और ये राजन जी हैं शर्मा जी, ये कहीं ना कहीं अभी तक शहर की ही राजनीति में, इसका क्या फर्क, क्या पार्टी को उस ढंग से लाभ मिलेगा? नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, संगठन के अंदर शर्मा जी भी थे, उनको काफ़ी तजुर्बा है काम करने का, वो इसलिए भी कि विंध की राजनीति में माननीय श्रीनिवास तिवारी जी अलग पार्टी, वो एक समय होता है, माहौल होता है कि उसे नहीं आका जा सकता कि चुनाव अगर कोई हार गया तो उसका तजुर्बा कम हो गया कि अनुभव कम है कि उन्होंने काम नहीं किया। दोनों नेताओं ने अच्छा काम किया है, अपनी जिम्मेदारी, भगत जी ने भी जिला अध्यक्ष का चार साल में अच्छा निर्वहन किया है, संगठन के प्रति अच्छी जिम्मेदारी निभाई है, और सारे कार्यकर्ता और नेता भी प्रभावित हैं उनसे, ऐसी बात नहीं। तो ये परिवर्तन से पार्टी में कहीं गुटबाजी कहीं ऐसे कुछ नहीं, जिला में जिला के अंदर हमारे गुटबाजी नहीं है, आपको ये सबूत मिला है कि जो नगरीय चुनाव हुआ रीवा नगर निगम का, आपने देखा कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के
तन मन से लड़ी है, जिसका परिणाम ही हुआ। नहीं तो उसकी एक वजह थी बाबा किसी गुट से नहीं थे, जैसे एक यहाँ पर बार बार आप गुट का नाम ले रहे हैं, कुछ का गुट की बात कहलवाना चाहते हैं, लेकिन जिला कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं जी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अजय बाबा जी जो है जी, ये चुनाव जीते हैं जी, एक विषम परिस्थिति के बाद 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के छाया के नीचे जी जी जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे गजब तहलका। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजन शुक्ला जी को? नहीं नहीं नहीं, राजन शुक्ला तो हमारे मित्र हैं, शुक्ला जी का मैं बहुत। कांग्रेस संगठन में फेरबदल हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, संगठन समय समय पर संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि अपने भगत शुक्ला जी काफ़ी दिनों से जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे और अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया और संगठन को एक मजबूती प्रदान की, लेकिन समय पर बदलाव की आवश्यकता थी। चुनाव सर निकट है और ऐसे समय में संगठन में भी बदलाव की आवश्यकता पार्टी को समझ में आई, क्योंकि चुनाव क्या खड़े नहीं उतर रहे थे? नहीं, खड़े उतर रहे थे, ऐसा नहीं था कि खड़े नहीं उतर रहे थे। पार्टी ने समय सोचा होगा कि ज़्यादा समय होगा, हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ाना हो विधानसभा का चुनाव। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, बिंध में हम लोग जरूर हार गए थे, लेकिन भगत शुक्ला जी अध्यक्ष थे तो चुनाव में पूरे प्रदेश में ज्यादा, लेकिन बिंध में ज्यादा हार हुई थी, हरीबा की सीट हार गए थे, लेकिन उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि भगत शुक्ला जी के ही कारण से हार गए थे, सभी प्रत्याशी कुछ न कुछ भाई कमजोरी थी हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी में सरकार तो बनी थी कांग्रेस की ही ना। तो और ढेर सारे नेता और राजेंद्र शर्मा जी कुशल संगठक हैं और एक अच्छे इंजीनियर हैं, उन्होंने शिल्पी प्लाजा का निर्माण किया और कई ऐसे जिला कांग्रेस के लिए कितना ग्रामीण के लिए उपयुक्त है, अच्छे साबित होंगे निश्चित रूप से। जो आदमी इंजीनियरिंग का है आदमी है तो निश्चित रूप से कोई नई इंजीनियरिंग का कांग्रेस के लिए करेगा वो, निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग होगी और जिले से जो है तो कांग्रेस का परचम लहराएगा, ये बात सही है। किन कारणों से उनको बनाया गया, मतलब आप क्या देखते हैं वजह की? राजेंद्र शर्मा अब ये देखे संगठन के लोग जाने कि क्यों बनाया गया, लेकिन अगर बनाया गया है तो मैं समझता ना तो भगत शुक्ला को किन्हीं कारणों से हटाया गया और नए ऊर्जावान हैं, युवा हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। ये आप नहीं मानते कि इससे कहीं ना कहीं गुटबाजी पार्टी के अंदर? गुटबाजी नहीं, अब गुटबाजी तो करीब करीब अब नहीं है रीवा जिले में, गुटबा अब सबका उद्देश्य है कांग्रेस की सीट जीतना, सबका उद्देश्य। तो ये एक वजह ये भी मानी जा सकती है रीवा महापौर का चुनाव, महापौर में हाँ महापौर के चुनाव में चूंकि हाँ अजय मिश्र बाबा जी निर्वाचित हुए तो सब अलग अलग दृष्टिकोण से अब ये देख रहे हैं कि भाई अब जिले में जो है तो भाई हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि कोई नया हिसाब से मतलब ये जो चयन है नहीं बढ़िया अच्छा है पार्टी के लिए अच्छा है और मैं उन्हें बधाई देता हूँ।